एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है बेटा हर किसी की बैक सेम नहीं होती हर बच्चे की जिम्मेदारी है वो अपने बैकग्राउंड पे नज़र डाले जैसे तुम में से किसी के फादर होंगे जो सत्तर हजार महीने के आराम से कमा लेते हैं या लाख कमा लेते हैं पचास हजार लेकिन तुम में से किसी के घर में हो सकता है कि महीने का दस हज़ार का, का काम भी ना हो बीस हज़ार का, का काम भी ना हो कभी पचास हजार आ गए आगे दो महीने कुछ भी नहीं आया क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग अलग है इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि हमारे डिसीजन कैसे हों और सोचना चाहिए हर बच्चे को ये जरूरी है तुम अब बहुत छोटे दूध पीते बच्चे नहीं हो कि पांचवी सातवीं के हो तुम्हें कोई अकली नहीं है तुम सब यहां बैठे हुए जितने लोग हो तुम 18 प्लस हो 18 प्लस का मतलब तुम अडल्ट हो देश के संविधान ने तुम्हें ताकत दे दी कि तुम सरकार बना लो तो अपनी जिंदगी भी बना लो वो ताकत भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए बैकग्राउंड में सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है मेरे फादर मेरे ऊपर कितने रुपए कितने साल तक और लगा सकते हैं ये सब बराबर नहीं होते बेटा अंबानी के बेटे को कोई चिंता थोड़ी ना है लेकिन एक आम परिवार में किसान के बेटे की तो चिंता है ना कि मेरा आगे का खर्चा कैसे कौन उठाएगा मेरे माँ बाप कल को बूढ़े होंगे तो इनको बीमारी लग गई तो मैं कहाँ लेके घूमूंगा इनको ये तो चिंता है ना हर आम परिवार में फाइनेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और सबसे बढ़िया बेटा आम परिवार के लिए ना नौकरी आज भी मानी जाती है कारण गवर्नमेंट जॉब में एक बार जाने का मतलब आप सेट हो गए देखो कमाई तो आप कहीं से भी कर लोगे लेकिन आप वहाँ सेट नहीं हो पाते प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं इनसे बहुत अच्छा लेकिन प्राइवेट सेक्टर तब तक है जब तक आप फिट हैं भगवान ना करे जाते वक्त किसी साल के आदमी का एक्सीडेंट हो गया उसके पीछे उसकी वाइफ है एक छोटा सा बच्चा उसके है उसके उसके बुजुर्ग होते बाप हैं अब पैर पैर कट गए गए हाथ टूट या मान लो डेथ ही हो गई तो सोचो उसके पीछे प्राइवेट सेक्टर वाले उसके बच्चों के पालन पोषण का पैसा देते रहेंगे क्या जिंदगी भर या उसके बूढ़े माँ को संभालेंगे नहीं करेंगे ना ये करेंगे ये तब तक साथ खड़े रहेंगे जब तक कि उसकी अगली पीढ़ी है क्योंकि उसकी पत्नी को जिस तरह से ऑन ड्यूटी डेथ होती है ना बेटा तो उनको रुपए मिल जाते हैं इतने कि उनका परिवार पालने में दिक्कत ना आए उनके माँ बाप अगर वो ठीक ठाक है फिट एंड फाइन तो दिक्कत है ही नहीं फिर तो और महीने पैसे आएंगे गवर्नमेंट जॉब में एक आदमी नौकरी लगता है लेकिन उसकी तीन पीढ़ियां सही रहती हैं क्योंकि जिसको जॉब मिली है ना बेटा इसके पेरेंट्स का खर्चा जो मेडिकल खर्चा है वो सरकार देती है डिपेंडेंट का कार्ड बनता है एक मेडिकल कार्ड उसमें आप जो नौकरी पर हैं आपके माँ बाप का नाम लिखा जाता है आपका आपकी वाइफ का आपके हस्बैंड का आपके बच्चे का और तीन पीढ़ी हो गई ना एक तो वो खुद हो गया स्वयं एक उसके पेरेंट्स और एक उसका परिवार जिसमें उसकी वाइफ और उसके बच्चे आते हैं तो सोचो आदमी एक नौकरी कर रहा है लेकिन कितने लोग सेफ फील कर रहे हैं उसके माँ बाप को जैसे अब कोरोना आया था कितने लोगों का देखा लाखों लाखों का बिल भी आया था वो लाखों का बिल उनको नहीं भरना पड़ा जिनके पास गवर्नमेंट जॉब थी उनका तो फ्री इलाज हो गया और सबसे अच्छी बात पता है क्या है सरकारी अस्पताल में नहीं जाना पड़ता क्योंकि आज लगभग सब बड़े अस्पतालों में सरकार का जो वो कार्ड बनता है ना किसी आदमी का वो सब जगह चलता है बेटा मैं तो भुगत तो इसलिए बता रही हूँ मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे मेरी मदर जब सेकेंड वेव आई थी ना इसकी, कोरोना की बहुत लोग मरे थे बहुत, बहुत आईसीयू में एडमिट रही थी चौदह दिन तक हमें एक भी रुपया नहीं देना पड़ा क्योंकि मेरे फादर के पास अपना कार्ड था वो एयरफोर्स में थे बीस साल फिर बीस साल उन्होंने जॉब की पार्लियामेंट हाउस में तब हमें फील हुआ कि देखा नौकरी ऐसे काम आती है आपके बाद भी अब उनकी उम्र सेवेंटी हो जाएंगे उस बार मतलब अब तक हमें उनकी चिंता नहीं है क्योंकि वो सरकार ने तो इसलिए बेटा ये फायदे जो है ना कई लोग कहते हैं प्राइवेट में बहुत पैसा बहुत पैसा है जब तक आपकी सांस है जिस दिन आपको कुछ हो गया ना तो आपके माँ और आपके बच्चे सड़क पे आ जाएंगे एक रुपया भी प्राइवेट सेक्टर हेल्प नहीं करता किसी की भी वो तो भैया तुम करोगे कमा के दोगे तो तुम्हें देगा सरकार आपके आगे पीछे भी खड़ी रहती है ये फायदा है बेटा लॉन्ग रन में ये चीजें समझ में आती है छोटे एज में पता नहीं चलता बीस साल के लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ता है सरकारी करो प्राइवेट लेकिन जब वो चालीस पैंतालीस के होते हैं तो पता चलता है कि सरकारी सरकारी ही है उसमें

1982 दिसंबर मेरा बर्थ ईयर है 1982 का दिसंबर लास्ट और मुझे नौकरी मिल गई थी 2003 में तब तक दिसंबर नहीं आया था मेरी उम्र इक्कीस साल की नहीं हुई थी उससे पहले मैंने सैलरी ले ली थी सरकार से इसलिए मेरी बात सुन लेना मुझे पता है कि किस तरीके से कैसे पढ़ के काम किया जा सकता है ठीक है बाकी पढ़ना तुम्हें पड़ेगा तुम्हारे बदले पेपर मैं नहीं दे के आऊंगी वो तुम्हें ही देना पड़ेगा बस मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ पढ़ाई को थोड़ा सा आसान बना दूंगी और उस आसान से तुम्हारा टाइम बच जाएगा एनर्जी बच जाएगी